ठीक है। आगे चलो मैडम। हाँ आगे स्टार्ट करते हैं। अपन ने कल टिप्पी में किया था, सेक्शन 12 तक किया था। आज हम टिप्पी में सेक्शन 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 13 क्या कह रहा है कि कोई अजन्मा व्यक्ति है, अजात व्यक्ति है, और उसको अपने को संपत्ति ट्रांसफर करनी है, तो कैसे की जाएगी। तो अजात व्यक्ति सबसे पहले कौन होता है ये देखते हैं। एक तो जो गर्भ में ना आया है वो भी अजात माना जाएगा, और सेकंड जो गर्भ में है लेकिन जिसका जन्म नहीं हुआ है, दोनों ही अजात माने जाएंगे, यानी अजन्मे व्यक्ति माने जाएंगे। तो अब उनको ट्रांसफर करना है, तो संपत्ति ट्रांसफर करनी है। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मेरे होने वाले पुत्र या पौत्र को संपत्ति ट्रांसफर करता हूं, तो ऐसे वो डायरेक्ट संपत्ति उसको जिसका जन्म नहीं हुआ है या जो गर्भ में नहीं आया है उसको डायरेक्ट संपत्ति अंतरण नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना, पहले क्या करना पड़ेगा, उसे पहले पूर्विक हित सर्जित करने पड़ेगा। पूर्विक हित सर्जित यानी उसे जो संपत्ति वो उस अजात या अजन्मे बच्चे को देना चाहता है, वो संपूर्ण संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को आजीवन हित देना होगा उसका, यानी उसको सिर्फ केयर टेकर बना के रखना है, वो उस संपत्ति की देखभाल करेगा, उसका वो मालिकाना हक पूर्विक हित में सर्जित नहीं होता। वो क्या है, एज ए ट्रस्टी की हैसियत से उसकी देखभाल करेगा उस प्रॉपर्टी की। और हित किसके हित के लिए करेगा, जिस अजन्मे या अजात बच्चे के लिए संपत्ति ट्रांसफर किए गए, जिसके हित के लिए ट्रांसफर की गई, वो उसके लिए देखभाल करेगा एज ए ट्रस्टी की तरह, ठीक है। तो उसे पूर्विक हित सर्जित करना होगा। मान लो ए है, वो कहता है, जो अभी तक क्या है, इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है कि ए व्यक्ति है जिसका अभी वो विवाह मैरिज नहीं हुई, वो कहता है कि बी जो उसकी आशायित पत्नी है, आशायित पत्नी को क्या करता है, वो आजीवन हित देता है कि जब भी मेरी मैरिज होने के बाद में मैं मेरी पत्नी को आजीवन हित देता हूँ। और यानी वो पूरी अर्जित किस में कर रहा है, पत्नी में कर रहा है। और फायदा किसको देना है कि जब भी मेरे पुत्र होगा, तो सी जब भी मेरे पुत्र होगा तो ये संपत्ति उसको चली जाएगी। तो ये तो क्या थी, एक संभावना थी। पहली संभावना क्या थी कि शादी होगी, सेकेंड संभावना क्या आई है इसमें कि पुत्र होगा। और आगे अगर वो ये ट्रांसफर कर देता है कि पत्नी को आजीवन हित मिलेगा और उसके बाद कै को मिलेगा, और कै के बाद में कै के ही पुत्र, सॉरी सी के ही पुत्र यानी डी को मिलेगा, तो यहाँ पर दोहरी संभावना होगी। विटबी बनाम मिचेल के केस में भी यही कहा कि दोहरी संभावनाओं में किया गया अंतरण वैध नहीं है। तो एक संभावना तक तो अंतरण मान्य होता है। तो सेक्शन 13 में दो बातें हैं कि अजात व्यक्ति के लिए या अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति अंतरित कैसे की जाएगी। तो अजात के लिए सबसे पहले क्या, पूर्विक हित सर्जित करना पड़ेगा। पूर्विक हित को जो संपत्ति दी जाएगी वो आजीवन हित दिया जाएगा, मालिकाना हक या स्वामित्व नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उसको आजीवन हित दिया जाएगा। और उस आजीवन हित या पूर्विक हित की समाप्ति से पहले, यानी जैसे बी को दिया आजीवन हित या पूर्विक हित बी में सर्जित किया, तो पूर्विक हित की समाप्ति से पहले यानी उसकी मृत्यु होने से पहले पहले सी का जन्म होना जरूरी है। सी का अस्तित्व में आना जरूरी है, नहीं तो सी, अगर मान लो बी की मृत्यु पहले हो जाए और सी का अस्तित्व ही ना हो, या डी जिसके किसी लिए भी किया गया अंतिम अंतरित जो भी है जिसके लिए संपत्ति अंतरित की गई है और उसका अस्तित्व ना आए पूर्विक हित के जीवन काल में, और पूर्विक हित पहले समाप्त हो जाता है, तो वहां पर अंतिम अंतरित को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। वो प्रॉपर्टी वापस किससे में आ जाएगी, वो वापस अंतरक में आ जाएगी, ट्रांसफरर में आ जाएगी, ए में आ जाएगी, ठीक है। अब जो अंतिम अंतरित है जिसके लिए जो अजन्मा है या जो अजात है जिसके लिए संपत्ति ट्रांसफर की जा रही है, उसको वो संपूर्ण हित
जो मिलना चाहिए। जैसे ये कहता है कि मैं सी को देना चाहता हूं जिसका भी जन्म नहीं हुआ, तो जितनी प्रॉपर्टी मान लो 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, 5 लाख की जो भी जमीन है उसको देना चाहता है, तो वो 5 लाख तक की संपूर्ण संपत्ति उस पूर्विक हित वाले में, उसमें वो सारी संपत्ति उसको देगा पहले, फिर वो आगे ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं है कि जो पूर्विक हित अर्जित कर रहा है उसमें 2 लाख तक की प्रॉपर्टी दे दे और फिर कह दे कि इसका मूल्य जब भी बढ़ेगा 5 लाख होगा तब ये अंतिम अंतरिति को मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकता। जितना हित वो अंतिम अंतरिति को देना चाहता है ना, उतना का उतना हित उसे पूर्विक हित वाले को भी देना होगा, ठीक है। ये होता है, इसमें बताया हुआ है। और खास बात यह है कि इसमें अपने को दो चीजें तीन चीजें याद करनी है कि अजात को जन्म, अजात व्यक्ति या जन्मे व्यक्ति को ट्रांसफर करना है तो पूर्विक हित सर्जित करना होगा, पूर्विक हित वाले को संपूर्ण हित, अवशिष्ट हित मिलना चाहिए, यानी जितना अंतिम अंतरिति को मिलना है वो सारा का सारा किसको मिलना चाहिए, पूर्विक हित को मिलना चाहिए, हित वाले व्यक्ति को मिलना चाहिए। पूर्विक हित वाले को कितना हित दिया जा रहा है, मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा या स्वामित्व नहीं दिया जा रहा, सिर्फ उसे आजीवन हित दिया जा रहा है, सिर्फ उससे आजीवन हित दिया जा रहा है। और फोर्थ बात यह कि अंतिम अंतरिति या जो जात है जिसके फायदे के लिए ट्रांसफर की जा रही है, उसकी उसका अस्तित्व पूर्विक हित की समाप्ति से पहले अस्तित्व में आना या उसका जन्म लेना आवश्यक है, ठीक है। ये इसमें इतना ही बताया हुआ है। और दोहरी संभावना कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र, आशायित पुत्र जो हो सकता है उसके लिए करे अंतरण वैध है, अगर वो पौत्र के लिए भी कर दे अंतरण तो वो अंतरण वैध नहीं होता। एक संभावना तक किया गया अंतरण वैध माना है, दोहरी संभावनाओं में किया गया अंतरण वैध नहीं माना गया है। इसमें जो ये उदाहरण दिया हुआ है ना कि ये अपनी संपत्ति पत्नी के लिए देता है, इसमें पत्नी और जो पुत्र है उसको आजीवन हित मिल रहा है, पत्नी और पुत्र है उनको आजीवन हित मिल रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरी पत्नी से जो पुत्र होगा उसको संपत्ति जाएगी, फिर उसके ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति जाएगी। तो ये दोहरी संभावना, एक तो पुत्र हो और दूसरा पौत्र हो, दोहरी संभावनाओं में किया गया अंतरण वैध नहीं है। और दूसरा इसमें आ जाता है कि एक ये क्या है, आजीवन हित दे रहा है अब पुत्र को, पुत्र को अंतिम हक टाइटल अधिकार नहीं दे रहा कि एक सी के जब भी पुत्र होगा तो ये प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी, ऐसा अंतरण वैध नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 एक बात क्या, सेक्शन 13 में कि जब बच्चा, जब जो जिस अजन्मे या अजात बच्चे के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी, जैसे ही उसका जन्म होगा प्रॉपर्टी क्या है उसमें निहित हो जाएगी, प्रॉपर्टी उसमें निहित हो जाएगी। मान लो ए सी के लिए प्रॉपर्टी अंतरित करना चाहता है तो उसने बी को पूर्विक हित बनाया, जैसे ही सी का जन्म होगा प्रॉपर्टी जन्म लेते ही सी में निहित हो जाएगी, लेकिन कब्जा कब तक नहीं मिलेगा उसे या प्रॉपर्टी कब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता। आजीवन हित किसके पास रहेगा, आजीवन हित पूर्विक हित वाले के पास में ही रहेगा, ठीक है। अब इसको ही आगे डिफाइन किया है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 कह रहा है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, इसमें नेगेटिव में लैंग्वेज दी रखी है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता जिसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक व्यक्ति के जीवन काल, यानी ये जो दो या दो से अधिक व्यक्ति है कौन से, ये पूर्विक हित वाले हैं। मान लो पहले ए संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है डी को, ए संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है डी को, तो वो पहले बी को देगा, बी को आजीवन हित देता है, बी के बाद में सी को देता है, और सी के बाद में वो कहता है कि डी को अंतिम हित या अंतिम संपूर्ण लाभ किसके लिए करना चाहता है, वो डी के, तो डी के लिए कर दिया। तो सेक्शन 13 में तो
दी क्या जिसका जन्म नहीं हुआ, जैसे ही जन्म होता है प्रॉपर्टी उसमें निहित हो जाती है। शाश्वतता का नियम ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अंतिम अंतरिति की अव्यवस्था के पश्चात रोक नहीं सकता, यानी जब तक वो माइनर है तब तक वो मालिक जो होता है, जो ए है, अंतरक है, वो उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कब तक कर सकता है, अंतिम अंतरिति की जब तक कि वो माइनर है तब तक कर सकता है, जब तक कि वो अवयस्क है तब तक करेगा। अगर वो कह दे कि नहीं अंतिम अंतरिति 18 वर्ष एक दिन का होने के बाद में ये प्रॉपर्टी उसे मिले, तो ऐसा अंतरण वैध नहीं हो सकता, शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लंघन हो जाता है ये, कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने ही पीढ़ी वालों को हमेशा मैनेजमेंट के मेरे पास, मेरा पुत्र लेगा उसके बाद उसका पुत्र लेगा उसके बाद उसका पुत्र लेगा, कि वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी तक की व्यवस्था खुद ही करके चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कि जो अंतरक है वो अपनी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कब तक कर सकता है, अंतिम अंतरिति की अव्यवस्था तक ही कर सकता है। कि जैसे जो ए है वो सी को देना चाहता है कोई प्रॉपर्टी, तो उसे पूरी हितसर्जित करना पड़ेगा, तो उसमें वो बी को दे सकता है, डी को दे सकता है, दो या दो से कई व्यक्तियों को पूरी हित दे सकता है, वो एक साथ भी दे सकता है और अलग अलग भी दे सकता है, कि पहले बी को दूंगा, बी का आजीवन हित समाप्त होने से पहले पहले ये ई एफ जी एच किसी को भी दे सकता है। लेकिन जो अंतिम अंतरिति है जिसके लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, जो अंतिम हित जिसको मिलना है, उसकी अव्यवस्था तक ही वो व्यवस्था कर सकता है, कि ये 17 साल 5 महीने तक होगा तब इसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी अंतिम अंतरिति को, या ये 16 साल या जो भी 18 साल तक वो व्यवस्था कर सकता है। लेकिन वो ये व्यवस्था नहीं कर सकता कि अंतिम अंतरिति 18 साल 10 दिन का या 18 साल 1 दिन का होगा तब ये प्रॉपर्टी उसमें निहित होगी, ऐसा वो नहीं कर सकता। समझ आया कि सेक्शन 13 में तो क्या है, कब निहित होता है हित, बच्चे के जन्म लेते ही हित उसमें निहित हो जाता है। लेकिन सेक्शन 14 क्या कह रहा है कि ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, कि कोई भी व्यक्ति अंतरक है जो संपत्ति को ट्रांसफर कर रहा है वो अपनी संपत्ति का मैनेजमेंट या व्यवस्था कब तक कर सकता है, अंतिम अंतरिति की अव्यवस्था तक ही कर सकता है, जैसे ही वो मेजर हो जाता है अंतिम अंतरिति और उसके बाद अगर अंतरक व्यवस्था करता है तो ऐसा शाश्वतता के नियम का उल्लंघन होता है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज है वो जो नेगेटिव में दी हुई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हित सृष्ट नहीं कर सकता जो अंतरण की तारीख को जीवित एक या एक से अधिक व्यक्तियों के जीवन काल, ये कौन से व्यक्ति है, ये पूर्विक हित वाले, पूर्विक हित जिनके पास होता है, जो मध्यस्थ हित जिनके पास होता है वो व्यक्ति, और किसी ऐसे व्यक्ति के कालावधि के अवसान के समय जो अस्तित्व में हो, जिसे पूर्ण व्यय प्राप्त हो जाने के बाद में, यानी 18 वर्ष हो जाने के बाद में अगर कोई उनको हित मिले तो ऐसा अंतरण वैलिड नहीं होता, ये शाश्वतता के नियम का उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, अब सेक्शन 15 ये कह रहा है कि मान लो कोई अंतरक है और किसी वर्ग को संपत्ति ट्रांसफर कर रहा है, मान लो वो कह दे कि मैं तो क्लास 10 वाले इस स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनमें जो क्लास 10 है उस उन क्लास 10 का एक वर्ग हो गया, उनको मैं संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो अब उस क्लास 10 में एक वर्ग है, अगर उस दसवीं क्लास में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो धारा 13 की शर्तों को पूरा नहीं करते होंगे या जो धारा 14 की शर्त को पूरा नहीं करते होंगे, तो उन्हें जो इस शर्त धारा 13 या 14 की शर्त को पूरा नहीं करते हैं उन्हें संपत्ति ट्रांसफर नहीं होगी, बाकी के जो धारा 13 या 14 की शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें वो संपत्ति ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए संपत्ति ट्रांसफर की गई और अगर उनमें से कुछ एक व्यक्ति उन धारा 13 या 14 की शर्तों को पूरा नहीं करते तो संपूर्ण अंतरण निष्फल नहीं होता,
उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध निष्फल होता है जो धारा 13 या 14 की शर्तों को पूरा नहीं करते। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 10वीं क्लास के बच्चों के पूरा एक वर्ग है, उसके लिए कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति ट्रांसफर करता है, तो उनमें से 10वीं क्लास में से कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो 18 वर्ष का हो, जिसने 18 वर्ष, एग्जाम्पल है 18 वर्ष, एग्जाम्पल है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली और बाद में उनको संपत्ति ट्रांसफर की जा रही है, तो ऐसे मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा। उन व्यक्तियों जो धारा 13 या 14 की शर्त को पूरा नहीं करते, उनके विरुद्ध क्या है, अंतरण निष्फल हो जाएगा। लेकिन जो पूरा करते हैं, बाकी जो शेष वर्ग है जो पूरा फुलफिल करता है 13 या 14 की, सेक्शन 13-14 की शर्तों को, उनके लिए अंतरण वैध रहेगा। फिर आ रहा है सेक्शन 18 के अंतरण में किसी पूर्विक हित की, कोई पूर्विक हित ही निष्फल हो जाए तो अंतरण क्या वैलिड होगा, क्या नहीं होगा? कैसे कि मान लो किसी ए अब संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है सी को, ए संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है सी को, और अगर बी को वो पूर्विक हित सर्जित करता है, पूर्विक हित देता है बी को, और बी बी निष्फल हो जाता है किसी भी कारण, चाहे 13 चाहे सेक्शन 14 की शर्तों के आधार पे, यानी अंतिम अंतरिति का, या तो क्या जन्म नहीं हुआ, उससे पहले ही क्या है पूर्विक हित चला गया, ऊपर चला गया, या पूर्विक हित निष्फल हो जाता है, तो पूर्विक हित के निष्फल होने पर जो पश्चातवर्ती फायदा या हित जिसको मिलना था वो भी निष्फल हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा, यानी अंतरण क्या है, अंतरण वैलिड नहीं होगा, आगे अंतरण संपत्ति ट्रांसफर ही नहीं होगी। जैसे ए है सी को देना चाहता है, तो उसने क्या है पूर्विक हित बी में सर्जित कर दिया, अब सी का जन्म होने से पहले या सी के वयस्क होने तक बी क्या है जीवित नहीं रहता, निष्फल हो जाता, चला जाता है, तो अंतरण के आगे जो ए ट्रांसफर करना चाहता है सी को फायदे, वो जाएंगे क्या सी के पास, नहीं जाएंगे, क्योंकि बी पूर्विक हित ही निष्फल हो गया, तो वो सारा सारी की सारी संपत्ति वापस ए में यानी अंतरक में आ जाती है। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 17, सेक्शन 17 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें भी, संचयन के लिए निर्देश या संचयन का नियम बोलते हैं अपन इसको। संचयन का नियम क्या है, मान लो ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, ए के पास कोई प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या है आय देने वाली है, हर मंथ उससे आय होती है, प्रॉपर्टी क्या है आय देने वाली है, जिससे इनकम हो रही है ऐसी प्रॉपर्टी, ए क्या करता है उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर कर देता है बी को, और ट्रांसफर करने के साथ में ये शर्त लगा देता है कि इस प्रॉपर्टी से होने वाली आय को आप क्या सिंचित रखोगे, उसका यूज नहीं करोगे। तो सेक्शन 11 में क्या पढ़ा था कि अगर वो कोई उसको यूज करने का तरीका बताए तो पूर्ण रूप से उसको अवरुद्ध करता है, तो वहां पे शर्त शून्य होती है, अंतरण वैध होता है। तो सेक्शन 11 का अपवाद बता दिया, सेक्शन 17 क्या है 11 का अपवाद है, जो कहती है कि कुछ ऐसी शर्त है जो लगाई जा सकती है, ये पूर्ण रूप से उसको अवरुद्ध नहीं कर रही है, संचयन का जो होने वाली आय है उसको पूर्ण रूप से संचय करने का निर्देश नहीं दे रही, ये कह रहा है कि अंतरक जब कोई संपत्ति जिससे आय होती है उसको आगे ट्रांसफर करता है, तो अंतरिति को, ट्रांसफरी को ये निर्देश दे सकता है कि इससे होने वाली आय का आप संचयन करोगे। अब वो कब तक संचयन करेगा, तो या तो क्या है अंतरक जब के जीवन काल तक, जब तक ए जीवित रहेगा तब तक भी उस होने वाली आय, प्रॉपर्टी से होने वाली आय को संचित रखेगा, या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष, अंतरण की तारीख से 18 वर्ष तक जो भी अधिक हो,
तब तक के लिए वो उस आय को संचयन करने का निर्देश दे सकते। मान लो ए ने संपत्ति ट्रांसफर की बी को और कह दिया कि मैं मेरे जीवन काल तक आप इस प्रॉपर्टी को संचयन करोगे, होने वाली आय का संचय करोगे। तो अब जीवन काल मान लो वो तो 5 साल ही रहा, 5 साल रहा, तो अब क्या वो कब तक सिंचित करेगा? 18 वर्ष तक। क्यों करेगा? इसमें कहा क्योंकि जो भी अधिक हो या तो उसने कह मेरे जीवन काल तक करो या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष। अगर वो 18 वर्ष, वैसे अंतरण की तारीख से 18 वर्ष बीत गए और लेकिन अंतरिक्ष जीवित रहता है 25 साल तक या 26 साल तक, तो जब तक अंतरिक्ष जीवित रहेगा तब तक वो उस आय को सिंचित करेगा अंतरिति, ठीक है, जो भी अधिक हो। ऐसा नहीं है कि अंतरण करने से अंतरिक्ष 5 साल में मर गया तो अब 5 साल में अंतरिक्ष ने तो अपनी जीवन काल तक की संचयन करने का निर्देश दिया था, ऐसा नहीं है। तो वहां अगर वो 5 साल या 2-3 साल में चला जाता है ऊपर, तो वहां पे उस प्रॉपर्टी से होने वाली आय कब तक सिंचित की जाएगी? अंतरण की तारीख से 18 वर्ष, जो भी अधिक उसके लिए वो सिंचित की जाएगी। और अगर अंतरक ये शर्त लगा दे कि नहीं, मेरे जीवन काल या 20 साल या 25 साल, अंतरण की तारीख से 20 या 25 साल की शर्त लगा दे, ये 19 साल की भी शर्त लगा देता है वो, तो वहां पर 18 साल होते ही वो क्या है, समाप्त हो जाती है। जैसे 5 साल में अंतरिक्ष चला गया, फिर वो 18 साल तक तो वो उस आय को सिंचित करेगा, लेकिन अगर उसने कह दिया अंतरिक्ष ने कि या 19 साल तक आप सिंचित करोगे, तो वो 18 साल तक सिंचित कर आय को संचय करेगा। उसके बाद में वो उस आय का खर्च कर सकता है, उसको व्यय कर सकता है। मानो ऐसा माना जाएगा कि इसके बाद में कोई शर्त लगाई ही नहीं गई थी, या संचय करने का कोई निर्देश, आय को सिंचित करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था, ठीक है। अब इसमें अपवाद बताए हैं कि इस धारा के कुछ 4 अपवाद बताए, सॉरी हाँ 3 अपवाद बताए हैं कि यहां पर वो हमेशा के लिए उस आय को संचय करने का निर्देश दे सकता है। वैसे तो क्या है, अंतर के जीवन काल या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष, जो भी अधिक उसके लिए संचय करने का निर्देश देगा। लेकिन 3 इसके सेक्शन 17 में 3 अपवाद बता दिए गए कि कोई व्यक्ति ऐसे संपत्ति ट्रांसफर करता है जो आय देने वाली है, लेकिन अगर अंतरक के कुछ ऋण लिए हुए हैं, पैसे उधार लिए हुए हैं, या अंतरिति जो है जो हित प्राप्त कर रहा है, अगर उसको कोई ऋण का भुगतान करना है, अंतरक या अंतरिति अगर दोनों में से किसी को भी या दोनों को ही अगर अपने ऋणों का संदाय करना है, पैसे उधार लिए हुए हैं भुगतान करना है, तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होता, वहां संचय करने का निर्देश नहीं लागू नहीं होता कि वहां पर वो खर्च कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि अगर अंतरक या अंतरण की अधीन या तो कोई अंतरक है या कोई अंतरिति है, अंतरक है या कोई अंतरिति है जो क्या फायदा प्राप्त कर रहे हैं उस भूमि से होने वाली, जो लैंड से होने वाले जो फायदे हैं वो उनके उनके भरण पोषण करते हैं या उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, जीव खाने पीने की सब व्यवस्था करते हैं, तो वहां पर संचयन का नियम लागू नहीं होता। कि मान लो एक अंतरक ए है अपनी संपत्ति बी को ट्रांसफर करता है और ये शर्त लगा देता है कि जब तक मैं जीवित रहूं या जब तक मेरे पुत्र पुत्री या दूर के जो भी नातेदार है जो इस प्रॉपर्टी से पल रहे हैं या जो उनसे खाना पानी कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जब तक वो सब जीवित रहे तब तक आप इसका संचयन करोगे। तो ऐसा संचयन के पर कोई शर्त नहीं है, मतलब वो 18 वर्ष या जो जीव अंतर के जीवन काल के अधिकतम टाइम पीरियड वाली शर्त इस पे लागू नहीं होते। जब तक उसके दूर के नातेदार जीवित रहेंगे तब तक वो उस आय को संचित
करेगा, यानी जब तक वो उसके नातेदार रहेंगे तब तक बचा के रखेगा। फर्स्ट अपवाद क्या था? अंतरक या अंतरिति ने अगर कोई पैसे उधार लिए हुए हैं या कोई ऋण लिया हुआ है, तो वहां पर वो जब तक ऋण भुगतान नहीं हो जाए तब तक वो निर्देश दे सकता है कि इसकी आय सिंचित रखी जाए। सेकंड आ गया कि अंतरक या अंतरिति, सॉरी अंतरक या अंतरक के कोई दूर के नातेदार हैं, पुत्र पुत्री या दूरस्थ जो भी नातेदार हैं, उनके खाने पाने की व्यवस्था करने के लिए भी हमेशा के लिए संचय करने का निर्देश दिया जा सकता है। थर्ड आ रहा है संपत्ति के ही, जिस संपत्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है उसके ही परिरक्षण अनुरक्षण या उसको उसके सार संभाल के लिए, उसकी देखभाल के लिए अगर कुछ खर्चा हो रहा है, कुछ खर्चा आय भी उसी प्रॉपर्टी से हो रही है, आय होगी तभी तो उसका देखभाल भी तो करनी जरूरी है। अगर उसकी देखभाल में परिरक्षण अनुरक्षण करने में कोई पैसे लगते हैं तो वो हमेशा के लिए संचय करने का निर्देश दिया जा सके कि भाई इस प्रॉपर्टी पे हर साल इतना पैसा तो लगता ही लगता है, तो इतने पैसे आप हमेशा के लिए संचित करोगे। तो ऐसा ये तीन अपवाद हो गए। क्या क्या अपवाद हुए? पहले तो कि अंतरक या अंतरिति ने कोई ऋण लिया है उसे भुगतान करना है। सेकंड आता है अंतरक या अंतरक के दूर के नातेदार, पुत्र पुत्री या जो भी दूर के नातेदार हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए। थर्ड आ रहा है जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है उसके ही अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए क्या संचय आय को संचित करने का निर्देश दिया जा सकता है। अब सेक्शन 18, सेक्शन 18, सेक्शन 14 क्या, 16 का और 17 का, सेक्शन 14, 16 और 17 का अपवाद प्रस्तुत करता है। 14 में कहा कि हमेशा के लिए शाश्वत रूप से किसी को प्रॉपर्टी दी नहीं जा सकती। 16 क्या है? वर्ग था कि अगर पूरी हित निष्फल हो रहा है तो पश्चातवर्ती हित क्या है, विफल हो जाएगा। सेक्शन 14-17 संचयन का नियम है। तो इन तीनों ही नियम का एक अपवाद कहाँ पे है? 18 में। 18 में 5 शब्द हैं, वो याद रखने हैं अपने को, कि धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य और शेम। धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, शेम या मानव जाति के कल्याण के लिए। धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य या शेम और मानव जाति के कल्याण के लिए या मानव जाति के फायदाप्रद हित के लिए हमेशा के लिए संपत्ति को अंतरित किया जा सकता। वाह्य शाश्वतता का नियम भी लागू नहीं होगा, संचय करने का निर्देश भी नहीं दिया जाएगा। मान लो किसी मंदिर बनाने के लिए या कोई स्कूल बनाने के लिए या कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसमें ये थोड़ी है कि ये शाश्वतता का नियम लागू हो गया, ये संचयन का नियम लागू नहीं होगा। 5 चीजें, धर्म ज्ञान वाणिज्य, स्वास्थ्य, शेम और मानव जाति के कल्याण के लिए अगर कोई संपत्ति ट्रांसफर करता है तो वो हमेशा के लिए उसी के पास ट्रांसफर अंतरिति के पास जाएगी। वो सेक्शन 14, 16 और 17 के नियम का अपवाद प्रस्तुत करता है। अब आता है निहित हित और समाश्रित हित। बड़े क्वेश्चन में भी आता है और अपने को छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि निहित हित और समाश्रित हित में क्या अंतर है। तो निहित हित वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। निहित हित में क्या है कि कब निहित हित, कैसे, जैसे प्रॉपर्टी बिना मालिक के नहीं रहती। अंतरक है वो अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करना चाहता है, तो जैसे ट्रांसफर कब होगी? बी अंतरिति में निहित हित यानी मालिकाना हक अंतरक से निकलकर अंतरिति में कब आता है, निहित हित कब मिलता है उसे, वेस्टेड कब माना जाएगा उसमें। तो जहां की कोई संपत्ति अंतरण में किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई हित अगर समय विनिर्दिष्ट नहीं किया है कि कब, मान लो आज वो ट्रांसफर कर रहा है 1 जनवरी को संपत्ति ट्रांसफर कर रहा है
और उसने लिखा नहीं कि वो सिर्फ ये लिख देता है कि मैं बी के पक्ष में संपत्ति अंतरित करता हूँ या बी को मैं दान देता हूँ ये संपत्ति, ठीक है। तो उसने समय नहीं बताया कि कब से वो संपत्ति बी में जाएगी, तो तुरंत ए से निकल के वो संपत्ति बी में निहित हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर समय नहीं बताया है तो वो तुरंत अंतरिति में चहित निहित हो जाएगा। सेकंड कि जहां समय बता दिया गया है तो उस समय पर निहित हो जाएगी। थर्ड कि जहां कोई हित निहित किसी अवश्यम भावी, यानी ऐसी कोई घटना जिसका घटित होना अवश्यम भावी है उस घटना पर आधारित कर दे, तो जब वो घटना घटित होगी तब उसमें हित निहित होगा। जैसे ए कहता है कि कल सवेरा होगा तो मैं अपनी संपत्ति बी को ट्रांसफर कर दूंगा, बी को ही मेरी संपत्ति में हित मिल जाएगा। तो अब कल सवेरा होगा, आज रात तक वो हित बी में अंतरित नहीं होगा। जैसे ही कल सवेरा होगा अवश्यंभावी घटना है कि वो घटेगी ही घटेगी, अनिश्चित नहीं है, अवश्यम भावी है, यानी जिसका घटित होना अवश्यम भावी है, जो आवश्यक रूप से घटित होगी। कल सूरज निकलेगा, कल सुबह होगी होगा, तब जैसे ही सूरज निकलेगा या कल सुबह होगी तुरंत वो संपत्ति किस में निहित हो जाएगी, बी में निहित हो जाएगी। ये होता है निहितित। तो निहितित में क्या है, एक तरफ से मालिकाना हक या स्वामित्व तो निकल के दूसरे में अंतरिति में ट्रांसफर होता है। कब माना जाता है, इसमें तीन कंडीशन है। पहला, अगर समय नहीं बताया है तो तुरंत। सेकंड, समय बताया है तो उस समय पर निहित होगा। मान लो ए कह देता है आज 1 तारीख को ट्रांसफर कर रहा है और कहता है कि 5 तारीख को मैं अपनी संपत्ति बी को देता हूं या अंतरित करता हूं, तो जब 5 तारीख आएगी तब ही बी में वो संपत्ति निहित मानी जाएगी, 4 तारीख को नहीं मानी जाएगी। थर्ड आता है कि किसी ऐसी घटना जो अवश्यम भावी हो, जिसका घटना आवश्यक है या जो घटित होगी ही होगी, तो उस घटना के घटित होने पे प्रॉपर्टी क्या है, निहित हो जाती है अंतरिति में। अब एक इसमें लाइन लिखी हुई है जो बेरेक्ट में गलत है, बेरेक्ट में गलत छपी हुई है कि मान लो ए संपत्ति ट्रांसफर करता है बी में कि 5 तारीख को मैं ये संपत्ति बी को दे दूंगा या 5 तारीख को ये संपत्ति बी की हो जाएगी। 5 तारीख को आ जाता है बी में, निहित हित कब आता है, 5 तारीख को ही आ जाता है। बी को 5 तारीख को कहा था तो 5 तारीख को बी को मिल जाती है, निहित हित आ गया। लेकिन अभी बी क्या है, माइनर है या पागल है, उसने उसका कब्जा अभी प्राप्त नहीं किया, कब्जा अभी प्राप्त नहीं किया। मान लो ए ने बी को ट्रांसफर की प्रॉपर्टी पुरुष हित के अधीन, अजन्मा बच्चा था बी, उसके पक्ष में ट्रांसफर कर दी पुरुष हित के अधीन रहते हुए। अब बी जैसे ही जन्म हुआ प्रॉपर्टी क्या है, उसमें निहित हो गई, लेकिन उसने क्या, कब्जा नहीं लिया था। तो अंतरिति, जो अंतिम अंतरिति होता है, उसका कब्जा लेने से पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो निहित हित क्या है, विफल नहीं होगा। जैसे सीधा से एग्जाम्पल है कि ए कहता है कि मैं अपनी संपत्ति बी को 5 तारीख को अंतरित करता हूं, 5 तारीख को प्रॉपर्टी क्या है, बी में निहित हो गई, लेकिन बी के पास 10 तारीख तक कब्जा नहीं आया और 7 या 8 तारीख को क्या है, बी की डेथ हो जाती है। कब्जा उसने लिया नहीं बी ने, और उससे पहले क्या है, उसकी डेथ हो गई, लेकिन हित तो निहित हो चुका था 5 तारीख को। अब वो अंतरिति यानी जो बी है, उसका कब्जा लेने से पहले अगर डेथ हो जाती है तो अंतरण विफल नहीं होगा। अब क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, किसके पास जाएगी, बी तो मर गया, बी चला गया तो प्रॉपर्टी अब किसके पास जाएगी, क्या वापस अंतरिक्ष के पास जाएगी, नहीं जाएगी, अंतरण विफल नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी जाएगी बी के उत्तराधिकारियों के पास में, ठीक है। फिर आता है इसको 20 अपन एक बारी बाद में पढ़ेंगे, निहित हित के साथ में ही अपन पढ़ेंगे समाश्रित हित 21, सेक्शन 21। सेक्शन 21 कह रहा है कि
किसी संपत्ति में उस संपत्ति के किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर या घटित नहीं होने पर अगर किसी को संपत्ति में हित ट्रांसफर किया जाता है, हित सृष्ट किया जाता है, तो वह व्यक्ति कौन सा हित प्राप्त करता है? वो समाश्रित हित अर्जित करता है। मान लो ए व्यक्ति, ए अंतरक है, बी को संपत्ति ट्रांसफर करता है और ये शर्त लगा देता है कि अगर कल बारिश सॉरी अगर कल 5 बजे वाली हावड़ा ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, या कुछ बारिश होने पे, या कोई ऐसी घटना पे जो घटित हो भी सकती है और घटित नहीं हो सकती। मान लो ए कहता है कि बी को कि मैं संपत्ति तभी दूंगा अगर कल बारिश आ जाएगी, तो अगर कल बारिश आ जाएगी तो बी को पास संपत्ति तो ट्रांसफर हो गई। कौन सी संपत्ति ट्रांसफर हुई है? कौन सा हित मिला है बी को? समाश्रित हित मिला है, समाश्रित हित मिला है। ठीक है, अब अगर कल बारिश आने के लिए जो शर्त थी और वो बारिश आ भी जाती है, बारिश आ जाती है, जैसे ही वो बारिश आ जाती है कल, तो वहां पर बी को जो मिला है हित, वो कौन सा हित हो जाएगा? वो निहित हित में चेंज हो जाएगा। मान लो ए ने आज 1 तारीख को संपत्ति बी को ट्रांसफर कर दी और इस शर्त के साथ कि 2 तारीख को अगर बारिश आएगी तो इस संपत्ति में बी को हित मिलेगा। ठीक है, अब 1 तारीख को संपत्ति चलेगी ए के पास में, सॉरी ए से बी में चलेगी, तो बी को 1 तारीख को जो हित मिला है वो कौन सा हित है? वो समाश्रित हित है। ठीक है, कॉन्टिजेंट हित है, इंटरेस्ट है। अगर 2 तारीख को बारिश आ जाती है तो बी को जो हित मिलेगा, जो समाश्रित हित क्या हो, वो निहित हित में चेंज हो जाएगा फिर। और अगर वो ए इस शर्त पे कि कल बारिश नहीं आई, 5 बजे शाम की 5 बजे तक अगर बारिश नहीं आती है, तो मैं आपको ये संपत्ति ट्रांसफर करूंगा, तो क्या है? अनिश्चित घटना है कि बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने पर अगर कोई अंतरण, संपत्ति का अंतरण आधारित कर दिया जाता है, तो अंतरिति को जो हित मिलता है वो होता है समाश्रित। अगर मान लो ए कहता है कि बी को मैं कल 5 बजे तक बारिश नहीं आई, तो क्या है? मैं संपत्ति ट्रांसफर करूंगा। अब 5 बजे तक बारिश नहीं आई और बाद में आने की कोई संभावना है, यानी असंभव हो जाए कि बाद में वो कार्य होगा, ऐसा होना उसका असंभव जो हो असंभव हो जाए, तो जो अंतरिति को जो समाश्रित हित मिला है वो निहित हित में चेंज हो जाएगा, वो समाश्रित हित फिर नहीं रहेगा। ठीक है, अब आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 ये कह रहा है कि किसी अजन्मे व्यक्ति को, जैसे सेक्शन 13 में अपन ने साथ में पढ़ लिया कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अगर कोई संपत्ति ट्रांसफर की जाती है तो उसमें वो संपत्ति कब निहित मानी जाएगी? उसमें जब अजन्मे व्यक्ति का जन्म हो जाता है, तो जन्म होते ही उसमें संपत्ति निहित मान ली जाती है। इसको यहां पर भी अपन निहित पढ़ते हैं कि कब ट्रांसफर मानी जाए, सॉरी कब उसमें अजन्मे व्यक्ति का जैसे ही जन्म होगा, अजात बालक का जैसे ही जन्म होगा, तो संपत्ति उसमें निहित मान ली जाएगी, चाहे उसे कब्जा ना भी मिला हो, संपत्ति का मालिक वो बन जाता है जन्म लेते। सेम सेक्शन 20 कहाँ पर दिया हुआ है? उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 20 में भी यही बात लिखी हुई है कि अगर कोई किसी के पक्ष में उत्तराधिकार खुलता है और बाद में बच्चे का जन्म होता है, उत्तराधिकार खुलने के बाद में किसी अजन्मे बच्चे का जो गर्भ में था उसका जन्म होता है, उत्तराधिकारी बनता है, तो जैसे ही वो जन्म जिसका जन्म होगा वो उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा, वैसे ही यहाँ पर कि बच्चे का अजन्मे बच्चे का जन्म होते ही तुरंत प्रॉपर्टी उसमें निहित हो जाती है।
अब आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कह रहा है? सेक्शन 22 ये कह रहा है कि किसी वर्ग के ऐसे व्यक्तियों को संपत्ति अंतरण जो विशिष्ट आयु को प्राप्त करेंगे उसी को, मान लो 10 व्यक्तियों को ये संपत्ति ट्रांसफर करता है, ये कह देता है कि इनमें 10 व्यक्तियों को, एक से लेके 10 तक ये जो व्यक्ति है इनको संपत्ति ट्रांसफर करता हूं, लेकिन इनमें से जो भी 15 वर्ष की आयु को पार कर लेंगे उन्हीं को मैं संपत्ति ट्रांसफर करूंगा। एक वर्ग को उसने संपत्ति अंतरित की, और अंतरित करने के साथ में ये शर्त लगा दी कि जो इस विशिष्ट आयु, यानी आयु कौन बताएगा? अंतरिक्ष बताएगा कि जो ये विशिष्ट आयु को अगर वो प्राप्त करेंगे, इनमें से जो भी 10 में से जो भी विशिष्ट आयु को प्राप्त कर लेगा मैं उसको संपत्ति अंतरित करूंगा। अगर उनमें से, मान लो 10 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 15 वर्ष को की आयु को प्राप्त नहीं कर पाते, 10 में या 12 की एज में चले जाते हैं, तो जो जिन व्यक्तियों ने, 8 व्यक्तियों ने विशिष्ट आयु यानी 15 वर्ष बताया, या 17 वर्ष जितनी अंतरिक्ष ने जितनी बताई विशिष्ट आयु उसको प्राप्त करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी उनमें 8 में ही बटेगी जिन्होंने उस आयु को प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि जो दो जिन्होंने आयु प्राप्त नहीं की उनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सेक्शन 23 के अंतरण जो विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित हो, कि अब मान लो अंतरण कर रहा है, समाश्रित अंतरण है, समाश्रित है कि मान लो ए संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है सी को, सी को ट्रांसफर करना चाहता है, और उसने कोई अनिश्चित घटना घटित होने कि सी का जन्म उस दिन जब सूर्य ग्रहण होगा, या बी के जीवन काल में ही सी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो पूरी खेत के बी में निहित करेगा, तो सी उस समय तक LLB पास किया हुआ हो जाना चाहिए, तब उसको ये संपत्ति ट्रांसफर होगी। यानी ए जब अंतरक अंतरिती को संपत्ति ट्रांसफर करता है तो उसके साथ में ये शर्त जोड़ देता है कि वी निर्दिष्ट अनिश्चित घटना, कोई घटना वी निर्दिष्ट घटना बता देता है जो अनिश्चित होनी चाहिए, उसको घटित होने पर ही ये मिली संपत्ति इसमें ट्रांसफर होगी अन्यथा नहीं होगी। तो यहां पर एग्जाम्पल देखो कि ए सी को संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है, और सी ये शर्त जोड़ देता है कि ये LLB पास करेगा ना तभी इसको संपत्ति मिलेगी, तो बी जो पूर्विक हित है उसके अस्तित्व में रहते रहते या उसके जीवन, उसकी मृत्यु होने से पहले पहले सी को LLB पास करनी जरूरी है। अनिश्चित घटना पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बारिश पर आधारित कर दे, भूकंप पे कर दे, किसी भी अनिश्चित घटना पे आधारित कर दे, तो जो अंतरण है जो किसी अनिश्चित घटना पर आधारित है वो घटना कब घटित होना जरूरी है, या तो क्या है उसने समय बता दिया तो उस समय में घटित होना जरूरी है। मान लो कि वो अंतिम अंतरिति कह दे कि 18-22 साल का होगा तब तक कि उसको LLB पास करना जरूरी है, अब 22 साल तक ये तो टाइम पीरियड बता दिया तब तक वो घटना घटित होना जरूरी है, और जहां पर टाइम पीरियड नहीं बताया कि वो घटना कब तक घटित होनी जरूरी है, जो अनिश्चित घटना जो जिस पर आधारित किया है अंतरण को, समाशित अंतरण जो हित मिलना है जो उस अनिश्चित घटना पर आधारित है, समय नहीं बताया तो वहां पर वो घटना पूर्विक हित के अस्तित्व में रहने के दौरान, या उसकी पूर्विक हित के की समाप्ति से पहले पहले घटित होना जरूरी है। मान लो एक सी को संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है और कह देता है, टाइम पीरियड नहीं बताता कि इसका LLB पास किया हुआ होगा ये, तभी इसको संपत्ति ट्रांसफर होगी। अब जो सी है उसको LLB कब तक पास करनी है,
बी जो पूर्विक हित है उसके जीवन काल में, या बी की मृत्यु से पहले पहले सी को एलएलबी पास करनी जरूरी है। अगर बी की मृत्यु के बाद में सी, वो शर्त जो अनिश्चित घटना थी या उस शर्त का पालन करता है, बाद में एलएलबी पास करता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हित समाश्रित हित ही मिला था उसे। अगर वो उस समय तक बी के जीवन काल में या बी की मृत्यु से पहले पहले एलएलबी वाली शर्त को पूरा नहीं करता है, तो अंतरण उसमें नहीं रहेगा। संपत्ति वापस किस में चली जाएगी? अंतरण के पास चली जाएगी। संपत्ति निहित हित नहीं मिला है सी को, सिर्फ समाश्रित हित मिलेगा अगर उसने वो घटना घटित कर दी। एलएलबी उसके बी के जीवन काल में पूरी कर देता, पूर्ण कर लेता, तो वो निहित हित में चेंज होता। अगर वो उसके जीवन काल में एलएलबी नहीं कर पाता है, तो उसको जो हित मिला हुआ है वो क्या है? समाश्रित हित मिला हुआ है। अगर वो शर्त को पूरा नहीं करता, तो वो क्या है? शर्त पालन नहीं हुई, समाश्रित हित है, तो वापस प्रॉपर्टी अंतरक के पास चली जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति निश्चित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जो उस विशिष्ट कालावधि बता दी, टाइम पीरियड बता दिया कि इस समय वो उत्तरजीवी रहेगा, तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। एग्जाम्पल से ये समझ में आएगा। जैसे ए व्यक्ति है अपनी संपत्ति संपत्ति अपने ही पुत्रों को अंतरित करना चाहता है, अंतरित करना चाहता है, तो वहां पर क्या है? वो कहेगा कि मेरी मृत्यु के बाद में टाइम पीरियड बता दिया कि इस तारीख को, मान लो वो कहते हैं कि 2025 को जो भी उत्तरजीवी होगा, मेरा उत्तरजीवी जो भी होगा, उसको संपत्ति मिल जाएगी। उत्तरजीवी होना यानी जो भी ज्येष्ठ होगा उसको संपत्ति मिलेगी। कालावधि बता दी, टाइम पीरियड बता दिया कि 2025 को, जो 1 जनवरी 2025 को जो जीवित होगा उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये तो बताया गया। अगर उस वो टाइम पीरियड नहीं बताता है और कह देता है कि मेरे बाद मेरा जो भी उत्तरजीवी हो उसे ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अब उत्तरजीवी या इस मेरी संपत्ति का जो देखभाल करने वाला है उसके अभी उत्तरजीवी हो तो उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ए क्या करता है? अपनी संपत्ति अपनी वाइफ बी को जीवन पर्यंत आजीवन यूज करने के लिए दे देता है और कहता है कि बी के जीवन पर्यंत यानी बी की मृत्यु के बाद में जो भी इसका उत्तरजीवी होगा वो इस संपत्ति को ले लेगा। तो अब बी के, ए के और बी के कितने? दो पुत्र होते हैं, सी और डी, दोनों ही उत्तरजीवी हुए, दोनों ही उत्तरजीवी बच्चे। बी बी की मृत्यु के समय दोनों ही जीवित थे अगर, तो उनमें से कौन लेगा? जो ज्येष्ठ होगा, जो वरिष्ठ होगा वो ले लेगा। और अगर बी की मृत्यु होने से पहले ही ए और बी के जो बच्चे थे दो, सी और डी, अगर उनमें से कोई एक, मान लो सी बी की मृत्यु से पहले चला जाता है ऊपर, ठीक है, डेथ हो जाती है, तो अब बी का उत्तरजीवी कौन बचेगा? डी बचा। सी तो क्या है? सी की डेथ बी की डेथ से पहले हो जाती है, तो डी खे का बी का उत्तराजीवी बचा, उत्तरजीवी बचा, तो संपत्ति किसको ट्रांसफर होगी? डी को संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी। समझ आ गया क्या? इसमें ये कह रहा है कि पूर्विक हित के अस्तित्व का अंत होने के समय जो भी पूर्विक हित है उसका जो समाप्त हो रहा है, उस समय कौन किसका उत्तराजीवी होता है ये तय नहीं है। जब उत्तरजीवी लिख दिया तो उस समय किसके डेथ पहले होगी? मान लो चार पुत्र हैं और चार में से कौन पूर्विक हित की समाप्ति के समय उत्तरजीवी रहता है ये तय नहीं है। जो उत्तरजीवी रहेगा उसी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है सशर्त अंतरण, सेक्शन 25, कि कोई भी संपत्ति ट्रांसफर की जाती है तो उस पे शर्त
लगाई जा सकती है, शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाता है। शर्त लगाई जा सकती है, चाहे वो पूर्वभावी शर्त हो चाहे वो पश्चातवर्ती शर्त हो। शर्त दो प्रकार की होती है, आगे पढ़ेंगे कि पूर्वभावी शर्त क्या होती है और पश्चातवर्ती शर्त क्या होती है। लेकिन कोई शर्त ऐसी नहीं लगाई जा सकती जो हित को ही निष्फल कर दे। यानी ए संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है बी को, लेकिन वो इस शर्त लगा दे कि नहीं, बी जब तक जीवित रहेगा तब तक बी को संपत्ति नहीं मिलेगी, तो वो तो क्या है, हित को ही निष्फल कर रहा है। तो ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती। प्लस और कौन सी शर्तें नहीं लगाई जा सकती, जो सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई हुई है, जो पांच बातें हैं कि ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती जो विधि विरुद्ध हो। सेकंड, जो विधि के उपबंधों को विफल करने वाली हो, या जो कपटपूर्ण हो, या जो दूसरे के शरीर और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हो, या जो न्यायालय जिसे लोकनीति या लोकनीति के विरुद्ध समझता हो, या जो अनैतिक हो, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। तो ये सेक्शन 25 में शर्त लगाई जा सकती है, लेकिन कौन सी शर्तें नहीं लगाई जा सकती। पहली, कि जो हित को निष्फल करने वाली हो, ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती। सेकंड, जो विधि विरुद्ध हो। थर्ड, जो विधि के उपबंधों को विफल करने वाली हो। फोर्थ, जो कपटपूर्ण हो। फिफ्थ, जो दूसरे के शरीर और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हो। सिक्स्थ आती है, जिसे न्यायालय लोकनीति के विरुद्ध समझता है या अनैतिक समझता है, ऐसी शर्त अधिरूपित नहीं की जा सकती। अब आता है सेक्शन 26 और 29, ठीक है। 26 आ रहा है, 26 पूर्वभावी शर्त है। शर्त मैंने बताई कि दो प्रकार की हो सकती, पूर्वभावी शर्त और पश्चातवर्ती शर्त। पूर्वभावी शर्त ये होती है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे ए है, बी को संपत्ति अंतरित करना चाहता है। संपत्ति अंतरित करना तो चाहता है, लेकिन वो पूर्वभावी शर्त जोड़ देता है कि अगर बी इस शर्त की पालना करेगा, बी इस शर्त की पालना करेगा तो ही ये प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, अन्यथा नहीं। तो यानी पहले शर्त की पालना होगी, शर्त पूरी होगी, शर्त का पालन किया जाएगा तो ही संपत्ति बी में या अंतरिति में ट्रांसफर होगी, अन्यथा नहीं। अब बी उस शर्त की पालना कैसे कर सकता है, वो उसकी सार्थक पालना कर सकता है, ठीक है, सार्थक पालना कर सकता है। यानी वो उपरा उपरी भी अगर उसकी पालना कर दी जाती है उस शर्त की, तो मान लिया जाता है कि बी ने शर्त की पालना कर दी है। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि एक बी को कहता है कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, 5,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन वो शर्त ये लगा देता है कि बी, यानी जिसको प्रॉपर्टी देना चाहता है ए, बी जब भी विवाह करेगा सी और डी की परमिशन लेकर या उसकी अनुमति लेकर विवाह करेगा, मैरिज करेगा। तो ए बी को ट्रांसफर क्या करना चाहता है, 5,000 रुपये ट्रांसफर अंतरित करने का कहता है, लेकिन शर्त लगा देता है कि जब भी आप मैरिज करोगे तो सी और डी की अनुमति लेके मैरिज करोगे। अब सी जो कि बी की मृत्यु, सॉरी, सी की मृत्यु बी के विवाह होने से पहले ही हो जाती है। बी जब भी शादी करने जाता है तो सी तो जा चुका है ऊपर, अब वो किससे अनुमति ले, अगर वो एक बचा है डी, उसकी अनुमति लेके मैरिज कर लेता है, तो मान लिया जाता है कि बी ने उस शर्त का पालन कर दिया जो ए ने लगाई थी, ठीक है। तो इसका सार्थक पालन करना पड़ता है, पूर्ववर्ती शर्त का सार्थक पालन करना है, यानी उपरा उपरी पालन कर दिया जाता है, स्ट्रिक्टली पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उपरा उपरी पालन कर दिया जाता है शर्त का, तो मान लिया जाता है शर्त की पालना कर दी गई है और अंतरण वैध हो जाता है, संपत्ति ट्रांसफर हो जाती है। इससे
साइप्रस का नियम भी यहां पर कहते हैं, यथा सामिप्य का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि मान लो बी ए ने बी को कहा कि आप जब भी मैरिज करोगे सी और डी की परमिशन लेके करोगे, तो अगर सी पहले चला गया तो वो परमिशन किसकी लेगा? बी, सिर्फ डी की लेगा। तो जिस बात के लिए शर्त लगाई थी उसकी पालना नहीं भी हो पाती, तो उससे मिलती जुलती या उसकी ऊपरी पालना कर दी जाती है, तो मान लिया जाता है शर्त की पालना कर दी गई है। ठीक है, अब इसके साथ में 26 के साथ में 29 पढ़ेंगे, 29 पढ़ेंगे कि पश्चातवर्ती शर्त या उत्तर भावी शर्त। उत्तर भावी शर्त में क्या है? संपत्ति ट्रांसफर तो पहले ही हो चुकी है, संपत्ति ट्रांसफर पहले हो चुकी है, लेकिन बाद में ये शर्त लगा दी जाती, पश्चातवर्ती शर्त है। पश्चातवर्ती शर्त है कि ए बी को संपत्ति तो दे चुका 5,000 रुपये, और कह देता है कि आप जब भी मैरिज करोगे तो सी और डी की अनुमति लोगे। ठीक है, संपत्ति ए बी को दे चुका 5,000 रुपये और शर्त लगा दी कि जब भी आप शादी करोगे सी और डी की अनुमति लेके ही शादी करोगे, परमिशन लेके शादी मैरिज करोगे। अब संपत्ति आ चुकी तो पश्चातवर्ती शर्त है ना, शर्त की पालना कब करनी है? संपत्ति हित निहित हो चुका उसके बाद में शर्त की पालना करनी। अब अगर बी जब भी मैरिज करता है तो वो सी और डी दोनों की अनुमति लेगा, अगर अगर वो दोनों की में से किसी एक की अनुमति ले लेता है और शादी कर लेता है, मैरिज कर लेता है, तो उत्तर भावी शर्त या पश्चातवर्ती शर्त की पालना नहीं हुई, शर्त की पालना नहीं हुई। उत्तर भावी शर्त की पालना अक्षर से करनी है, यानी एज इट इज करनी होती है, जैसा कि अंतरक ने बताया है। अगर वो जान पूछ के एक सी की अनुमति लेके मैरिज कर लेता है बी, तो बी शर्त की पालना, पश्चातवर्ती शर्त की पालना उसने की नहीं है, इसलिए अंतरण क्या है? निष्फल हो जाएगा, संपत्ति वापस अंतरक में, अंतरिति में से वापस किसको चली जाएगी? अंतरक को चली जाएगी। यानी ए ने जो 5,000 रुपये बी को दिए और कहा कि 5,000 रुपये तो आप रख लो, लेकिन आपको सी और डी की अनुमति लेके ही शादी करोगे आप। अब बी क्या करता है? सिर्फ सी की ले लेता है, कहते हैं होगी पालना, और सी की अनुमति लेके मैरिज कर लेता है। तो उसने पश्चातवर्ती शर्त का एज इट इज अक्षर से पालना नहीं की है, तो अंतरण विफल हो जाएगा, अंतरण विफल हो जाएगा और प्रॉपर्टी वापस अंतरिति से निकल के अंतरक में चली जाएगी, यानी वो 5,000 रुपये बी से वापस ए में चले जाएंगे। ये तो एक बात है, लेकिन अगर पालना करना असंभव हो जाए, मान लो सी और डी जिनकी परमिशन लेनी थी, दोनों की डेथ हो जाए, तो अब बी किससे परमिशन ले, या सी की डेथ हो जाए या डी की डेथ हो जाए, तो वो किससे परमिशन ले? तो वहां पर ये मान लिया जाता है कि शर्त की पालना एज इट इज कर दी गई थी। ठीक है, अक्षर से कर दी गई थी, असंभव हो जाए तो वो मान लिया जाता है। फिर आता है सेक्शन 27, इसको बोलते हैं त्वरितता का सिद्धांत। त्वरितता का सिद्धांत कि एक व्यक्ति को सशर्त अंतरण किया जाए, ठीक है, सशर्त अंतरण किया जाए और पूर्विक हित के निष्फल होने पे तुरंत पश्चातवर्ती व्यक्ति को संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी। कि जैसे ए है बी को संपत्ति ट्रांसफर करता है और शर्त लगा देता है कि आप इस तरीके से यूज करोगे या आप इसका ऐसे यूज नहीं करोगे, या कोई भी शर्त लगा दी, पूर्विक शर्त लगा दी, शर्त लगा के उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, उसने शर्त की नहीं, उसने पश्चातवर्ती शर्त लगाई, शर्त लगा दी और शर्त लगा के संपत्ति ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर करने के बाद में पूर्विक अंतरिति, यानी बी
बी पर जो शर्त लगाई वो उस शर्त की पालना नहीं करता या वो निष्फल रह जाता है। जो शर्त लगाई उसकी पालना करने में क्या निष्फल हो जाता है, तो निष्फल हो उस बी के निष्फल होते ही क्या है वो आगे ट्रांसफर कर देगा उस प्रॉपर्टी को। जैसे ए ने बी को कहा कि आपको मैं ये प्रॉपर्टी पट्टे पे देता हूं, आप 5 साल तक इस प्रॉपर्टी को खेती करोगे या दुकान करोगे, इसलिए पट्टे पे दे रहा हूं। बी क्या करता है, जिसको संपत्ति आई वो क्या करता है, मान लो खेती करने के लिए दी जमीन 5 साल के लिए, और वो 1 साल खेती करता है, और 1 साल के बाद में वो वहां पर उसको दुकान लगा लेता है, उद्योग धंधा कुछ भी लगा देता है, यानी वो पूर्विक वेन क्या है, उसने उस शर्त का उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन करते ही तुरंत वो प्रॉपर्टी, वो शर्त लगाई थी कि आप उल्लंघन करोगे, आप शर्त को निष्फल करोगे तो पूर्विक हित क्या है निष्फल हो जाएगा, आपका अंतरण विफल हो जाएगा और प्रॉपर्टी आगे सी को मिल जाएगी, सी को मिल जाएगी। और जिस तरीके से विफल होना, मान लो ए जो बी को संपत्ति दे रहा है, भूमि दे रहा है खेती करने के लिए, वो कहता है कि आप इस पे खेती ही करोगे, आप इसको कॉमर्शियल यूज में नहीं लोगे, फिर भी वो बी कॉमर्शियल यूज में ले रहा है, तो फिर अंतरण क्या है निष्फल हो जाएगा, पूर्विक हित निष्फल हो जाएगा और संपत्ति आगे पश्चातवर्ती अंतरण हो जाएगा, या परतर अंतरण बोलते हैं जिसको, इसमें बोला है पश्चातवर्ती अंतरण कर देगा फिर वो, ठीक है। और वो इसका सोचा समझा हुआ खेल नहीं है कि मुझे ए को पता ही है कि बी इसमें खेती नहीं करेगा और दुकान लगाएगा या उद्योग धंधा करेगा, तो सोचा समझा हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ शर्त लगानी चाहिए कि आप इस तरीके से इस काम करोगे, अगर इस शर्त का उल्लंघन करते हो तो प्रॉपर्टी का आपका अंतरण निष्फल हो जाएगा और आगे मैं इसको अंतरित कर दूंगा। त्वरितता का सिद्धांत बोलते हैं इसमें, कि एक प्रॉपर्टी एक व्यक्ति को अंतरित की, उसने शर्त का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया, तो आगे प्रॉपर्टी तुरंत सी को या किसी अन्य व्यक्ति को तुरंत अंतरित हो जाएगी, वो अंतरण हो जाएगा। अब आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 कह रहा है कि परतर अंतरण का विनिर्दिष्ट घटना के घटित होना या ना होने पर आश्रित होना। ये कह रहा है कि अपन ने जो सेक्शन 10 12, ये पश्चातवर्ती अंतरण है, कि पश्चातवर्ती अंतरण यानी ए ने संपत्ति दी बी को और बी के बाद में कह दिया ये संपत्ति सी को जाएगी, पश्चातवर्ती अंतरण वही हुआ। अब पश्चातवर्ती अंतरण पर सेक्शन 10 12 21 23 24 25 27 की सारी शर्तें लागू होगी, सारी की सारी शर्तें लागू होगी। समय वाली शर्त होगी कि मान लो वो कह दे पश्चातवर्ती अंतरण किया और कहा कि विशिष्ट समय या विशिष्ट आयु, कोई भी शर्त जो सेक्शन 21 22 23 में जो भी है वो सारे के सारे पश्चातवर्ती अंतरण पर भी लागू होते हैं, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करेंगे, सेक्शन 30 से 34 तक है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये कहा है सेक्शन 30 ये कह रहा है कि पूर्विक वेन के परतर वेन की अविधि मान्यता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेक्शन 13 में तो सॉरी सेक्शन 16 में अपन ने पढ़ा कि अगर पूर्विक अंतरण है या पूर्विक हित है निष्फल होता है तो आगे अंतरण नहीं होगा, आगे कभी निष्फल हो जाएगा, लेकिन 30 सेक्शन 16 से ही मिलता जुलता है या उसका ही एक साथ पढ़ते हैं अपन 16 को और 30 को। 30 ये कह रहा है कि अगर कि पूर्विक वेन का परतर वेन की विधि मान्यता से प्रभावित नहीं होना, मान लो ए संपत्ति पहले बी को पूर्विक वेन कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसके बाद में सी यानी उसको पश्चातवर्ती अंतरित कर रहा है, बंधक रखा, मान लो पहले बी को बंधक रखा फिर सी को बंधक रख दी वही प्रॉपर्टी। अब सी अगर अविधि मान्य होता है या वो निष्फल होता है, सी के अंतरण को परतर वयन या परतर अंतरण के निष्फल होने से बी पर कोई इफेक्ट
नहीं पड़ेगा, बी को जो बंधक किया है वो कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर 31, 32, 33 ये शर्तें हैं, कल पढ़ेंगे अपन इसको। समझ आ गया होगा? आ हाँ मैडम आ रहा है। रहा है, और पढ़ाऊं क्या? मैडम नहीं एक ये मैडम, जो निहित हित में आपने बताया था ना, जैसे कि ए ने प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर करनी है और वो क्या है, मतलब सी अजन्मा है, जैसे ही उसने जन्म लिया वो क्या हुआ, उसमें निहित हित चला गया, ठीक है। तो अब जो बी है, बी क्या होता है कि आपने ये बताया था कि बी होता है वो मर जाता है सी के जन्म लेने से पहले, हाँ, तो वो वापिस से हित है जो निहित हित है वो किस में चला जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा। अंतरिक्ष में जाएगा, ठीक है। हाँ ये हाँ पूछे, ठीक है यही हाँ पूछना ना, था। अंतरिक्ष में जाएगा, क्योंकि क्या है, जो अंतिम अंतरिति है ना, उसका पूर्व हित की मृत्यु होने से पहले पहले अस्तित्व में आना जरूरी है। अगर मान लो सी जन्म आता ही नहीं है, बाद में आता है, और बी की डेथ पहले हो जाती है, सी का जन्म लेना बी के जीवन काल में जन्म लेना जरूरी है, पूर्व हित का लेके अस्तित्व रहने के दौरान उसका जन्म होना जरूरी है, नहीं तो रुक जाएगा वो। ठीक है, ठीक है आ गया मैं, चलो ओके बंद कर दो। ओके, गुड ओके, गुड नाइट। नाइट।